गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, मैं आज आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैथ का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आज पेज नंबर जो है 8 ओपन कर लीजिए। सबसे पहले देखिएगा 8 पर लिखा हुआ है नियर एंड फार, मैं दिखाना चाहूंगा। ये पेज नंबर आपका 8 ओपन है, ये देखिए टॉपिक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नियर एंड फार। मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको, नियर मीन्स होता है पास एंड फार मीन्स होता है दूर। जब कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो पास में हो तो उसे नियर यूज़ करेंगे, और जो आपसे कोई भी वस्तु दूर हो या आपका फ्रेंड दूर हो, जैसे कि मान लीजिए कोई खड़ा है दिख रहा है दूर है आपके पास नहीं है, तो वहाँ पर फार का यूज़ करेंगे, FAR। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिएगा राइट है, सभी लोग देखिएगा बच्चों ध्यान से, टिक द चाइल्ड हु इज नियर द टेबल। आपको टिक करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है, इसकी मैं हिंदी बता देता हूँ, टिक द राइट, टिक द करेक्ट, द चाइल्ड हु इज नियर द टेबल। आपको टिक करना है जो बच्चा टेबल के पास है। नियर मीन्स क्या मैंने बताया बेटा, पास। ओके, नियर मीन्स पास, तो यानी कि जो बच्चा टेबल के पास है उस बच्चे के सामने आपको देखिए बॉक्स बना हुआ है, टिक कर देना है। मैंने यहाँ पर क्यों नहीं टिक किया, क्योंकि ये बच्चा क्या है टेबल से दूर है, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक नहीं किया है। तो टिक आपको इस वाले बॉय पर करना है, इस वाले चाइल्ड पर करना है। नेक्स्ट देखिएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक वर्ड यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, टिक द चाइल्ड हु इज़ फार फ्रॉम द डियर। अब देखिएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन से सेकंड वाला क्वेश्चन जस्ट अपोजिट हो गया, कह रहा है द चाइल्ड हु इज़ फार फ्रॉम द डियर, यानी कि उस बच्चे पर टिक करना है जो डियर से दूर है। फार, फार की मीनिंग मैंने बता रखी है कि फार मीन्स होता है दूर, तो ये वाला बच्चा यानी कि ये वाला चाइल्ड हमें दूर दिख रहा है, किससे, डियर से, तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा, आप लोग भी टिक कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, टिक द गर्ल विच इज़ फार फ्रॉम द टैडी। इसमें भी जो गर्ल टैडी से दूर है यानी कि फार है उसमें टिक करेंगे। तो एक गर्ल देखिएगा टैडी के पास बैठी हुई है, और एक गर्ल जो है उसी के काफ़ी थोड़ी सी दूर बैठ खड़ी हुई है स्टैंडिंग मोड में, तो इस वाले गर्ल पर आपको टिक करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी कहा गया है कि द गर्ल विच इज़ फार फ्रॉम द टेबल टैडी, तो इस वाले गर्ल में टिक कर देंगे, आप लोग भी टिक कर दीजिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाता हूँ, पेज नंबर आपका है 9, टॉपिक है आपका काउंटिंग 1 to 9। आप सभी लोगों ने UKG में भी पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, मैम ने पढ़ा होगा आप लोगों को। देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ, आपका सबसे ऊपर लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन एंड राइट देयर नंबर इन द गिवन बिलो। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आपको काउंट करना है, सभी लोगों को काउंट करना है, और यहाँ पर आपको बॉक्स में नंबर लिख देना है। जैसे यहाँ पे हमको जेब्रा दिख रहा है, जेब्रा कितने जेब्रास हैं, जेब्रा हैं 1 है केवल यहाँ पे, तो आपको 1 यहाँ पे काउंट करके राइट कर देना है। यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रही है, सभी लोग इसको पहचानते हैं बच्चों, ये आपका अलमारी है, सभी के घरों में होगी। तो यहाँ पे कितनी अलमारी हमको दिख रही हैं, 1 and 2, तो यहाँ पे आपको 2 राइट कर देना है। और ये नेक्स्ट पिक्चर है आपका, ये तो सभी के पास होगा, सभी आप अपने पापा के पास देख सकते हैं मोबाइल, ये मोबाइल्स हैं। आइए देखते हैं, काउंट करते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मोबाइल्स हैं। यहाँ पर आप बॉक्स में 9 राइट कर देंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फिगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मशरूम है 1 2 3, यहाँ पर आप काउंट करके 3 जो है राइट कर देंगे। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट फिगर हमको दिख रहा है फिश का, तो यहाँ पे 1 2 यानी कि 2 फिश हैं, तो यहाँ पर आपको आप जो है राइट कर देंगे 2, नंबर में 2 राइट करना है केवल, बस नंबर नेम नहीं राइट करना है। बटरफ्लाई देखते हैं बेटा, नेक्स्ट फिगर है नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बटरफ्लाई हैं, मैं यहाँ पे 8 राइट कर दूंगा, आप लोग भी राइट कर दीजिए।
वेरी इजी, कोई हार्ड नहीं है, काउंट करिए और लिखिए। पेज नंबर में नेक्स्ट आ जाता हूँ, पेज नंबर आपका 10 है, पेज नंबर 10 एंड टॉपिक नेम है आपका पैटर्न। इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा बेटा, वेरी इजी है, कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा केवल समझना है आप लोगों को, मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इन ईच रो सर्किल द वन विच इज डिफरेंट। आपको देखना है, देखिएगा, जो सबसे अलग पिक्चर हो उस पर आपको सर्किल कर देना है। ये देखिएगा, यहाँ पे गोले बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये फिर 6 गोला बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, लेकिन ये सभी गोले एक जैसे ही हैं। इसमें जो सबसे डिफरेंट दिख रहा है वो कौन सा फिगर है, वो ये वाला है, तो इस पर आप लोग सर्किल कर देंगे। सभी लोग सर्किल कर दीजिए, कर दिया होगा सर्किल सभी लोग। फिर नेक्स्ट फिगर आ जाते हैं हम लोग, जो सबसे डिफरेंट दिख रहा है, देखिएगा ये आपको सेम दिख रहा है, ये वाला रेक्टेंगल सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, डिफरेंट कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इस पर आप लोग सर्किल कर देंगे। सभी लोग सर्किल कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट फिगर आपको, ये देखिएगा, ये सभी बॉल दिए गए हैं, फुटबॉल हैं, देखा होगा सभी, आपके घरों में भी होगा, आप लोग खेलते भी होंगे, ये बॉल्स हैं, लेकिन ये बलून है, केवल वन बलून, ये सबसे डिफरेंट है, तो इस पर जो है आप लोग सर्किल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिगर आप लोग देखिएगा, ये देखिए, ये फिगर सेम है, ये फिगर सेम है, ये वाला सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, और ये भी सेम, ये वाला फिगर सबसे अलग है, इस पर आप लोग सर्किल कर देंगे। उसके बाद देखिएगा ये नेक्स्ट फिगर, ये सेम है आपका फिगर, ये वाला सेम है, ये फिगर सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला, और ये जो स्टार बना हुआ है ये सबसे अलग है, तो इस पर आपको सर्किल कर देना है। टोटली आपको जो है, जो सबसे अलग लगे, जो आपको एक जैसा नहीं दिख रहा हो, उस पर जो है आपको सर्किल कर देना है। उसके बाद देखिएगा ये मार्क बना हुआ है, देखिए ये सेम बना हुआ है, ये सेम बना हुआ है, ये सेम बना हुआ है, ये भी सेम है, ये वाला भी सेम है, बट देखिएगा ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ये देखिए ये इस साइड दिख रहा है, ये भी सेम है, तो ये जो ये यहाँ से यहाँ तक पूरे सेम है, ये वाला भी सेम है, ये वाला अलग है, सबसे डिफरेंट दिख रहा है सबसे, तो इस पर जो है हम लोग सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट आइए सबसे लास्ट फिगर में आ जाते हैं, ये देखिए ये क्रॉस के साइन बने हुए हैं, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये आपका एडिशन का साइन दिख रहा है, तो इस पर हम लोग जो है सर्किल लगा देंगे, सर्किल कर देंगे। ये देखिए ये सभी क्रॉस हैं, इस पर आपको सर्किल नहीं करना है। तो जो सबसे, यानी कि कहने का इनका जो क्वेश्चन का मीनिंग्स था कि जो फिगर आपको दिए गए हैं, चित्र आपको दिए गए हैं, उनमें जो सबसे अलग हो, अलग वाला चित्र केवल एक ही रहेगा, तो जो सबसे अलग हो उस पर आपको सर्किल कर देना है। ये देखिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिएगा। ये देखिए जिस पे मैं सर्किल कर रहा हूँ उन्हीं पर केवल सर्किल आपको करना है। ओके चिल्ड्रेंस, समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग कर लेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पापा से बोलिए, मम्मा से बोलिए कि हमारे पास मैसेज करें और हम लोग जो है सॉल्यूशन आपको बताएंगे, सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम। ओके बच्चों, थैंक यू।